हेलो एवरीवन, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लॉर में स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, जिसका हेडिंग दिया है ऊपर। मैं बता दूँ कि पिछले लेक्चर में पीरियड टेबल कम्प्लीट हो चुका है। जिन लोगों का पीरियड टेबल चैप्टर अधूरा रह चुका है या जिन लोगों का पीरियड टेबल चैप्टर वीक है, वो लोग उसको एक बार दोबारा देख लेंगे, या दो लोग नहीं पढ़े हैं पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बार पीरियड टेबल जरूर देख लेंगे। पीरियड टेबल कंप्लीट लेक्चर के नाम से मैं उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन में भी आ जाएगा। ये तो बात रहा जो लोग पीरियड टेबल चैप्टर नहीं पढ़े, और जो लोग पीरियड टेबल चैप्टर पढ़ चुके हैं वो लोग क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, एटलीस्ट जिस चीज़ का वो तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर जरूर लगाएंगे। उससे क्या होता है कि जो आप पढ़े हैं थ्योरी वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं आप उसको ईजिली फेस कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग कहीं ट्रिप पर जाते हैं, पैकिंग करते हैं कि नहीं, रात भर जग करके बैग पैक किए, अपना सामान जुटाएं, उसमें बैग में रखें, और सपोज इसमें अगर जिप या चैन उसको लगाना भूल गए तो क्या होगा, बैग लटकाएं और आप ट्रिप पर चल दिए, आपका सामान धीरे धीरे गिरता चला जाएगा, लास्ट में बैग खाली हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा पूरी रात जग कर बैग पैकिंग करना, और जहाँ ट्रिप पर पहुँचे वहाँ आपका सामान भी नहीं रहेगा। वैसे ये चैप्टर में जो होता है, चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में क्वेश्चन लगा लेना चाहिए, वो जो क्वेश्चन होता है ना जिप के तरह काम करता है, आपके दिमाग में वो जिप वो चैन लग जाता है, जो जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं वो दिमाग से उड़ेगा नहीं, मीन्स कि वो आपका और स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस दिला देगा। ठीक है, ऐसे ही बने हमारे साथ, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी क्लाउड। तो चलिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो मेन बातें मैं आपको बता दूं, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेंस में इसका जो क्वेश्चन का वेटेज होता है 3 क्वेश्चन होता है, इससे आता है पीरियड टेबल और केमिकल बॉन्डिंग मिलाकर 5 क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। अगर आप लोग दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो आप लोग का 5 क्वेश्चन सिक्योर हो गया। आप लोग पीरियड टेबल का क्वेश्चन लगाइएगा, देख लीजिएगा, आप लोग इजीली बन जाएगा। मैं जो आप लोग को मैटर दिया हूँ वीडियो में अपने, आप लोग का क्वेश्चन लगा कर देखिएगा, इजीली बन जाएगा, जो जेई मेंस या जेई एडवांस में या जो लोग नीट का लगा रहे हैं इजीली बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम लोग इसका नाम से स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, या सिर्फ बॉन्डिंग क्या होता है? ये जो होता है केमिकल बॉन्डिंग या बॉन्डिंग होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन टू केमिकल एंटिटीज, डैट केमिकल एंटिटीज मे बी द एटम या मे बी आयंस या मे बी द मोलकल्स, या ये दो एटम के बीच में नहीं होता है, उसमें दो आयन भी हो सकता है या दो मोलेक्युल्स भी हो सकता है। ये बस केवल केमिकल या बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग कोई चेन नहीं होता है दो एटम के बीच में, बस ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग या सिर्फ बॉन्डिंग लिखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बिटवीन टू केमिकल एंटिटीज। ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स होता है दो केमिकल एंटिटीज के बीच में। ये केमिकल एंटिटीज क्या क्या हो सकता है, ये दो एटम हो सकता है, मे बी टू एटम या टू आयन हो सकता है या टू मॉलिक्यूल्स हो सकता है। जो केमिकल बॉन्डिंग या बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन फोर्स होता है दो एटम के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स जिससे बॉन्ड बनता है। सपोज ये दो एटम हो गया, इसमें लोग दिखाते हैं ना बॉन्डिंग ऐसे, तो ये क्या होता है, जो ऐसे जो लाइन खींचा हुआ है ये कोई, ये दोनों एटम कोई चैन नहीं दिया है, चैन से बांधा नहीं गया है, बस हम लोग ऐसे शो करने को दिखा देते हैं कि बॉन्डिंग दोनों बॉन्ड बना हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, दोनों एक दूसरे से किसी चैन के थ्रू या किसी थ्रेड के थ्रू जुड़े नहीं होते हैं, बस अट्रैक्शन फोर्स के वजह से दोनों एक दूसरे के पास होते हैं,
उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग। ये सिर्फ बॉन्डिंग जो होता है ये दो एटम के बीच में ही नहीं होता है, यहाँ पर दो आयन भी हो सकते हैं या दो मोलेक्युल्स भी हो सकते हैं। कितने जगह आप लोगों ने डिफिनेशन देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम, वो गलत नहीं होता है मगर पूरे तरीके से सही भी नहीं होता है। वो बॉन्डिंग दो एटम के बीच में हो सकता है या दो आयन के बीच में हो सकता है या दो मोलेक्युल्स के बीच में हो सकता है। तो समझ गए बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कंडीशन क्या होता है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन का कंडीशन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, कंडीशन टू फॉर्मिंग अ बॉन्ड। इसका बड़ा सिंपल फंडा है, जो कंडीशन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है कंडीशन देख लेते हैं, पहला क्या होता है जो इसमें अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होना चाहिए रिपल्सन फोर्स से। अट्रैक्शन फोर्स जब अधिक होगा तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सपोज दो एटम के बीच में या दो आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी तो बॉन्ड बनेगा, जब रिपल्सन फोर्स अधिक होगा तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो जो सिंपल सा जो है कंडीशन ये है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स, सिंपल सा कंडीशन है कि अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होना चाहिए रिपल्सन फोर्स से, उसी कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस समय इनर्जी रिलीज होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इनर्जी रिलीज होता है, जैसे मैं आप लोग वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो इसमें क्या होता है इनर्जी रिलीज, इनर्जी रिलीज जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस समय इनर्जी रिलीज होता है। और इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सबसे कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिस समय, उस समय पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सबसे कम हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अभी क्या होता है बॉन्ड कैसे क्या फॉर्म होता है, इसमें क्या कब अट्रैक्शन होता है कब रिपल्सन होता है, इसको देखते हैं। इसको हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। हम दो एटम लेकर देख लेते हैं कि उसमें बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर कब अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है कब रिपल्सन फोर्स अधिक होता है। सपोज ये दो एटम है, ये दोनों बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो इसमें क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा रिपल्सन फोर्स के कंपेयर में। इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होगा अधिक होगा रिपल्सन फोर्स के कंपेरिजन में। जब ये बॉन्ड बन जाता है, सपोज एक फिक्स मतलब डिस्टेंस पर, सपोज यहाँ पर ये जुड़ता नहीं है ये दोनों एटम, सपोज एक यहाँ पर किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर दोनों आकर के एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, इतना के इतना के बीच में जो होगा अट्रैक्शन फोर्स तो अधिक होगा, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के कंपेरिजन में अधिक होगा। और सपोज जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया उसके बावजूद भी अगर हम दोनों एटम को और पास लाएंगे तो रिपेल करेगा, क्योंकि इस पोजिशन पर आकर के ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक डिक्रीज हो जाता है। और सपोज इसको और ही पास लाएं तो यहाँ पर हमको एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा मीन्स कि ये यहाँ पर रिपल्सन फोर्स अधिक हो जाता है कंपेयर में अट्रैक्शन फोर्स के, इतना से इतना के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या है यहाँ पर, ये जो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद का बात है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है और यहाँ पर रिपल्सन फोर्स अधिक हो जाता है अट्रैक्शन फोर्स के कंपेयर में। बस सिंपल सा है ये। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, इसको इरेज करते हैं। हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड जानते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटर एटॉमिक बॉन्ड और एक इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसको हम देखते हैं क्या होता है, ये बॉन्ड बॉन्ड दो तरह के होते हैं, पहला कौन सा इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और दूसरा क्या होगा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जो
इंटर एटोमिक बॉन्ड क्या होता है? जो इंटर एटोमिक बॉन्ड सिंपल, दो एटम के बीच के बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटर एटोमिक बॉन्ड, बिटवीन टू एटम्स। और ये इंटर मोलिकुलर बॉन्ड क्या होता है? ये बिटवीन टू मोलिकुल्स होता है, बिटवीन टू मोलिक्यूल्स। और इन दोनों का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी इंटर एटॉमिक बॉन्ड के क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी आप लोग समझ रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड ऑफ वन मोल ऑफ मोलिकल्स, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। या सिंपल बोलते हैं कि बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है हम लोग उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या फिर बॉन्ड बनने में जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है 42 किलो जूल पर मोल से ग्रेटर होता है, 42 किलो जूल पर मोल से ग्रेटर होता है। और इसका क्या होता है? जैसे इसका अपोजिट होता है, बॉन्ड एनर्जी लेस देन 42 किलो जूल पर मोल। अब ये रहा कि इसका बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से अधिक होता है, इसका 42 किलो जूल पर मोल से कम होता है। तो सिंपल जो इसका बॉन्ड होगा स्ट्रांग होगा कंपेयर में इसके, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से अधिक होता है और इसका क्या होता है? 42 किलो जूल पर मोल से कम होता है। तो इसका जो बॉन्ड होता है इसका स्ट्रांग होता है। जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बेसिस होता है। जिसका बॉन्ड एनर्जी अधिक उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होता है, मीन्स कि वो बॉन्ड अधिक स्ट्रांग होता है। अब इसके भी सब टाइप्स होते हैं, इसको जान जाते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? आयनिक बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा आप लोग समझ ही गए होंगे, मेटैलिक बॉन्ड। ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड जो होता है मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो मैं आप लोगों को पीरियड टेबल में रेडियस पढ़ा रहा था उसमें टाइप ऑफ रेडियस आप लोगों को बताया था, थोड़ा हिंट दिया था आप लोगों को। और ये जो कोवेलेंट होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। और जो मेटैलिक होता है मेटल प्लस मेटल के बीच में होता है। मेटल प्लस मेटल के बीच में मेटैलिक, कोवेलेंट नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, और आयनिक मेटल प्लस नॉन मेटल। अब इन तीनों बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का रोल होता है उसको देख लेते हैं। जो आयनिक बॉन्ड में आप लोगों को बताया था पीरियड टेबल लेक्चर में, जो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है? शेयरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें भी दो सब टाइप होते हैं शेयरिंग का, एक होता है इक्वल शेयरिंग और एक होता है अनइक्वल शेयरिंग। एक होता है जो इक्वल शेयरिंग और एक दूसरा होता है जो अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली क्या होता है? जो इक्वल शेयरिंग में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बोल देते हैं। और जो अनइक्वल शेयरिंग से होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग, और जो अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग कंडीशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। क्या है? पहला, इसमें जो होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड तीन पार्ट में बटा हुआ है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटैलिक बॉन्ड। और जो आयनिक बॉन्ड होता है मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है,
और उसमें भी इक्वल और अनइक्वल शेयरिंग होता है। जो इसमें जो इक्वल शेयरिंग होता है उसको जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो अनइक्वल शेयरिंग होता है उसमें जो हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड में पढ़ेंगे। और तीसरा है जो मेटेलिक बॉन्ड, जो मेटल और मेटल के बीच में बनता है। अब नेक्स्ट इसका सब टाइप देख लेते हैं। इसमें भी दो तरह के होते हैं, जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो, और दूसरा वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इतना वीक बॉन्ड होता है कि बस इसको हम लोग लिखते भी हैं तो बस वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वैन डेर वाल फोर्स लिखते हैं इसमें, बस केवल जो बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, वैन डेर वाल फोर्स। जो इसमें एच बॉन्ड नहीं होता है, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी जो होता है इसका, वो 8 to 42 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। इसका जो बॉन्ड एनर्जी 8 to 42 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है, और इसका होता है सबसे कम, इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। हम लोग देख रहे हैं सबसे जो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसका है, वैन डेर वाल का। तो अब इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं सिंपल आयनिक बॉन्ड को लेते हैं। अब दो तीन लेक्चर बस आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे ही मेटेलिक बॉन्ड, सेल वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ें बॉन्ड क्या होता है, फिर उसमें टाइप ऑफ बॉन्ड देखें, और टाइप ऑफ बॉन्ड में से सबसे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड को उठाएंगे, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर मेटेलिक बॉन्ड, फिर वैसे ही नेक्स्ट सेल वाइज चलते रहेंगे हम लोग। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नोट्स बनाते हैं कि नहीं, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जितना मैटर लिखाता हूँ ना बहुत ज़्यादा लिखाता हूँ ना बहुत कम लिखाता हूँ, जितना ज़रूरत है मैं उतना ही लिखवाता हूँ, और जिससे कि आप लोगों का क्वेश्चन ही बनाने में चाहिए, इसलिए आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड, उसको जानते हैं क्या होता है, कैसे बनते हैं, फुल टेल में इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड से। ये आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं, जो होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट ही बॉन्ड बोलते हैं। पहला तो हो गया आयनिक, इसका क्या नाम हो गया, एक आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड ही बोल सकते हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ये आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच में, और इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एनायन बन जाता है, और जो कैटायन बन जाता है उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और जो एनायन बनता है उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, दो चार्ज हो सपोज तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसका वैल्यू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मतलब कि इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं आयनिक बॉन्ड को। जो आयनिक बॉन्ड में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा क्यों, तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे, जो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके होंगे वो लोग समझ पा रहे होंगे। सपोज दो चार्ज होता है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम डिफाइन करते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से। तो इसमें कैटायन पर जो हो गया और एनायन के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो सिंपल है, आयनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सिंपल, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा,
फोर्स देखिए चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज हो गया चार्ज अपॉन साइज, रेडियस है तो इसमें क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन। इसमें कौन सा फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। पहले मतलब इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने का कंडीशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसका फॉर्म होने का क्या कंडीशन होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। तो वन एल जो कंडीशन है, कंडीशन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इसमें पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, वन एलिमेंट शुड बी मेटल एंड अदर एलिमेंट शुड बी नॉन मेटल। इसको एक दूसरे तरीका से बोल सकते हैं, जो मेटल है उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वन एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड अदर एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो निगेटिव। मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या लिखा हूँ, इसको एक दूसरे भी तरह से लिख सकते हैं, वन एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड अनदर एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये कंडीशन है आयनिक बॉन्ड का। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट कंडीशन जो होता है इसमें जो मेटल होता है उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी, जो इसमें मेटालिक एलिमेंट होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो दूसरे एटम में जाकर जुड़ेगा। मींस कि जो इसका आयनाइजेशन एनर्जी, जो इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है, मींस कि जो मेटालिक एटम होता है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। और जिस एटम में जा करके इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, मींस कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होना चाहिए। एक तरफ से आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, दूसरे तरफ से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होना चाहिए। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा हम लोगों को बॉन्ड बनाने में, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है, तो मीन्स की अधिक एनर्जी रिलीज होगा और इसमें बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा। मीन्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होना चाहिए। ऐसा क्यों, जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है उसमें हम लोग एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो मतलब कि जो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें बनने के लिए कम एनर्जी देना पड़े और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो, उस सिचुएशन में आयनिक बॉन्ड बनता है। मीन्स कि जो इसमें मेटैलिक एलिमेंट शुड बी लो आयनाइजेशन एनर्जी, और इसमें जो नॉन मेटैलिक एलिमेंट शुड बी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये तीन कंडीशन हो गया, पहला तो एक तो मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, और दूसरा जो मेटैलिक एलिमेंट होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, और जो नॉन मेटैलिक एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होना चाहिए। और चौथा कंडीशन जो मैं आप लोगों को पीरियड टेबल में बता चुका हूँ पहले ही, जो डेल्टा ई एन होता है, डेल्टा ई एन इसका अधिक होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड बनता है मीन्स की जिसमें मैं बताया था ना डेल्टा ई एन के हेल्प से कौन सा बॉन्ड आयनिक होता है, कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट होता है, उसको मैंने आप लोग को डेल्टा ई एन के हेल्प से बताया था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफेंस में आप लोग को डेल्टा ई एन के हेल्प से मैं बताया था कौन सा बॉन्ड आयनिक होता है, कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट होता है। आयनिक बॉन्ड में डेल्टा ई एन बढ़ता है मीन्स कि डेल्टा ई एन का वैल्यू बढ़ेगा तो मोर आयनिक होगा, और डेल्टा ई एन की वैल्यू घटेगा तो मोर कोवेलेंट होगा। तो इसमें डेल्टा ई एन की वैल्यू अधिक होना चाहिए।
डेल्टा एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.8। ये आप लोग चार कंडीशन हो गया आयनिक बॉन्ड का, ये चार कंडीशन हो तो आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हम लोग आयनिक बॉन्ड जान गए, इसका कंडीशन जान गए, अब लोग देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, इसको रद्द करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाते हैं। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो लैटिस फॉर्म करता है। इसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट फॉर्म लैटिस। ये लैटिस क्या होता है, लैटिस का यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिख दिया हूँ, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इन विच इस आयन्स आर सराउंडेड बाई अपोजिटिवली चार्ज। इसमें क्या होता है, लैटिस में बना देता हूँ, आप लोग लैटिस सॉल्यूशन में पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। सपोज ये कटायन कोई हो गया, ये कटायन हो गया, बी एन आयन हो गया। ये ऐसा लैटिस होता है। सपोज इस पर देखिए कटायन क्या है, चारों तरफ एनायन से घिरा हुआ है, इसके ऊपर एनायन, इसके ऊपर, इसके बगल में एनायन, फिर इसके बगल में एनायन। अगर सपोज अगर इस एनायन को लें तो चारों तरफ कटायन से घिरा हुआ है, इसी को हम लोग लैटिस बोलते हैं। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। इसको यहाँ से रच करते हैं, यही होता है लैटिस। और इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लैटिस आयनिक कंपाउंड इसी लैटिस की वजह से जो आयनिक कंपाउंड होता है ना वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होता है। जो आयनिक कंपाउंड क्या होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड को ही पढ़ते हैं ना सॉलिड स्टेट में। ये क्या होता है, किसकी वजह से, इस लैटिस की वजह से। और जो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड का हाई होता है, क्यों, उसका भी रीजन ये लैटिस ही होता है। और इसका जो नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड एटॉमिक डेंसिटी। इन सब का भी रीजन ये लैटिस ही होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट या एटॉमिक डेंसिटी, इन लोग का जो हाई होता है आयनिक कंपाउंड का वो लैटिस की वजह से होता है। अब ये लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी इसको हम लोग मी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लैटिस एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक लैटिस फॉर्म फ्रॉम द इस गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयन एंड वाइस वर्सा। मींस कि एक मोल लैटिस बनाने में इसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयन से जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। या फिर इसका नेक्स्ट ये भी हो सकता है, एक मोल लैटिस को तोड़ने में जितना एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी सेम है, ये यहाँ पर इसका डिफिनेशन भी है। अब हम इस लैटिस एनर्जी को जानते हैं कि लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है। पहले ऊपर इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ये लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस बनाने में जितना एनर्जी रिलीज होता है और फिर वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है, जब बॉन्ड बनता है। तो मैंने बताया था ना जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये लैटिस एनर्जी भी उसी के प्रोपोर्शनल होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, तो इसी के प्रोपोर्शनल तो होगा लैटिस एनर्जी। जो लैटिस एनर्जी होता है चार्ज अपन साइज के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, चार्ज अपन साइज। जो लैटिस एनर्जी होता है वो चार्ज अपन साइज के प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप लोग स्टार बना के लिख लीजिएगा फॉर्मूला। इसके ऊपर जेईई मेंस में एक क्वेश्चन भी आया था, क्या क्वेश्चन आया था उसको लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए तो मैं इस फॉर्मूला को आप लोगों को स्टार बना कर लिखवाया हूँ।
इसमें क्वेश्चन था जो जेई मेन्स में था, जेई मेन्स 2005 में शायद पूछा था या ट्रिपल उस समय था। क्वेश्चन यह था कि लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसमें जो पहला ऑप्शन था वो था चार्ज ऑफ आयन ओनली, और जो दूसरा था साइज ऑफ आयन ओनली, और जो तीसरा था पैकिंग ऑफ आयन ओनली, और जो डी ऑप्शन था वो था साइज एंड चार्ज ऑफ आयन ओनली। ये AIEEE 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो लैटिस एनर्जी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन, पहला ऑप्शन है चार्ज ऑफ आयन ओनली, दूसरा साइज ऑफ आयन ओनली, पैकिंग ऑफ आयन ओनली, और जो डी ऑप्शन है साइज एंड चार्ज ऑफ आयन ओनली। तो इसमें सिंपल देखिए, जो लैटिस एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और साइज पर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल इसमें था डी ऑप्शन सही होगा, साइज पर भी डिपेंड कर रहा है और चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इतना ही सिंपल सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन, मीन्स कि क्वेश्चन तो सिंपल है मगर ये आपको मालूम होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, लैटिस एनर्जी पर। सपोज आपको लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछ दिया हो, आपको पूछा क्वेश्चन क्या है ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, आपको दे दिया हो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। आपको पूछा है कि इसका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें देखिए चार्ज क्या है, चार्ज सब पर सिमिलर है, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, साइज। लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा साइज इसका होगा, उससे छोटा इसका, इसका ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। सबसे छोटा लिथियम फ्लोराइड होगा, इसे सबसे अधिक इसका होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। बहुत सिंपल है, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या तो ऑर्डर पूछ देगा और भी कुछ ऐसे ही, जो भी देगा सिंपल ही देगा, मगर आप लोग को ये ध्यान में होना चाहिए। ये कैसे ध्यान में रहे, आप लोग को रिवाइज करना पड़ेगा, इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आयनिक बॉन्ड का, इसको रब करते हैं। ऐसे आप लोग को बहुत सारा एग्जांपल दे सकता है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें उम्मीद है आप लोग बना देंगे। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले मैं ये आप लोग को बता दूँ, जो अभी पढ़े थे लैटिस एनर्जी, उसमें लैटिस एनर्जी में चार्ज डोमिनेटिंग होता है। चार्ज डोमिनेटिंग होता है मीन्स कि पहले आप लोग चार्ज देखेंगे, जहाँ चार्ज सिमिलर होगा जब ऑर्डर पता करने के लिए, अगर चार्ज सिमिलर हो फिर वहाँ साइज देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी। जिसको मैंने पहले ही पीरियड टेबल में पढ़ा चुका हूँ, शायद सिक्स लेक्चर में पीरियड टेबल में पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी लंबा टॉपिक है, इसको मैं पीरियड टेबल में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर समझना इससे और ईजी था। ये तो हो चुका है पहले से पीरियड टेबल में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट होता है आयनिक कंपाउंड, आर सोलूबल इन पोलर सॉल्वेंट।
जो आयनिक कंपाउंड होता है वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, जैसे कि वाटर हो गया पोलर सॉल्वेंट, और जिसमें पोलर सॉल्वेंट होता है वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। पोलर सॉल्वेंट बिहेव एज डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये डाइलेक्ट्रिक समझ रहे हैं आप लोग, ये होता है टेंडेंसी टू डाइलेक्ट्रिक होता है टेंडेंसी टू वीकर द फोर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है आयनिक बॉन्ड का जो फोर्स होता है उसको वीक करता है। क्या है नेक्स्ट है, जो आयनिक कंपाउंड आर सोलूबल इन पोलर सॉल्वेंट, और जो पोलर सॉल्वेंट वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है सोलबल, जो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में क्यों सोलबल होता है, क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो डायलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। और ऐसा क्यों, डायलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है मैं इसके यहाँ बता दिया हूँ, क्योंकि सोलबल तभी होगा ना कि जब उसमें आयनिक कंपाउंड जो ब्रेक हो जाएगा एक दूसरे से मिल जाएगा, उसी को तो सोलबल कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। आयनिक कंपाउंड आर सोलबल इन पोलर सोलवेंट। जो वाटर होता है वाटर भी एक पोलर सोलवेंट ही होता है, इसीलिए जो आयनिक बॉन्ड वाटर में टूट जाता है ईजिली, वो स्ट्रॉन्ग पोलर सोलवेंट होता है। वाटर वाटर में आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मगर हीटिंग करते समय कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जस्ट अपोजिट चलता है आयनिक बॉन्ड का और कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, इसको रब करते हैं पहले। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तभी होता है जो आयनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में हो। जब ये एक्वस मीडियम में होगा तभी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। सपोज ये सॉलिड मीडियम में होगा तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। इन एक्वस मीडियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन सॉलिड मीडियम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है, एक्वस मीडियम में जो आयनिक कंपाउंड का जो आयन होता है वो फ्री होता है। एक्वस मीडियम में वाटर में डालने पर आयन ब्रेक हो जाता है आयनिक कंपाउंड का, इसलिए जो उसका आयन रहता है फ्री हो जाता है। वाटर क्या, एक्वस क्या है, आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाला हुआ है, तो वाटर में डालने पर उसका, अभी पिछले में बताया था, उसमें उसका आयन ब्रेक हो जाता है तो आयन फ्री रहता है। ड्यू टू द फ्री आयन, इसका रीजन हो गया ड्यू टू फ्री आयन इन एक्वस मीडियम आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका रीजन है ड्यू टू फ्री आयंस। और जो आयनिक रिएक्शन होता है ना उसका भी जो मेन रीजन होता है फ्री आयन ही होता है। आयनिक रिएक्शन का मेन रीजन फ्री आयन, सॉलिड मीडियम में आयनिक रिएक्शन नहीं होता है। सॉलिड मीडियम आयनिक रिएक्शन नहीं होता है, सॉलिड मीडियम में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है आयनिक कंपाउंड। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम लेते हैं आयनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल। जो आयनिक कंपाउंड होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, जिसके वजह से ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। कोहेरेंट कंपाउंड में पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें स्टेरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो होता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसी में शो होता है। सर सिंपल है, आयनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल, जिसके वजह से
ये स्टेरियो आइसर में होता है। डू नॉट सो स्टेरियो आइसर में, ठीक है। तो ये कुछ रहा कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें पढ़ेंगे फयांस रूल। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीरियड टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। और हाँ, वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं मालूम है या फिर जो लोग पढ़ना चाहते हैं पीरियड टेबल, उन लोगों को मालूम चल जाएगा कि पीरियड टेबल लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर या आज का लेक्चर वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मालूम चल जाए कि हाँ नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया है या फिर पीरियड टेबल कंप्लीट हो चुका है। जिसको पढ़ना हो, कितने लोग होते हैं बकायदे वीडियो आने के बाद वन बाय वन देखकर पढ़ते हैं, ठीक है। बाय, थैंक यू। अगर ये मेरा लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उस पर बेल आइकन होगा उसे क्लिक कर दीजिएगा कि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो डायरेक्ट आप तक पहुँचे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और उसे शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएँ। और अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर में इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दीजिए। नॉलेज है तो उसे शेयर कीजिए। थैंक यू।